जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शुक्रवार को टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए अमर शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित के उपरांत शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम के अंत में पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेसियों ने कहा कि देश के सैनिकों को कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत करते हुए मारा गया। हम कांग्रेसजन इस कुकृत का पुरजोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान द्वारा इस जघन अपराध से भारत की 130 करोड़ की जनता दुखी है, साथ ही साथ इस घटना से जनता में आक्रोश है। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, चौरी चौरा के पूर्व विधायक माधो पासवान, शरदेंदु पांडे, शिक्षा प्रकोष्ठ गोरखपुर के अध्यक्ष दयानारायण शुक्ल, बादल चतुर्वेदी, हिमांशु, दिनेश चंद श्रीवास्तव, डॉक्टर भानु सिंह, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, प्रेमलता चतुर्वेदी, मोनिका पांडे, दिलीप जायसवाल, जैमनी पांडे, संजीव सिंह सोनू, डी एच चौधरी, मार्कंडेय सिंह सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी, वरिष्ठ कांग्रेसी शरदेंदु पांडे और जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, कल पुलवामा के अंदर 42 भारतीय सैनिकों की आतंकवादियों द्वारा जो निर्मम तरीके से क्रूर और कायराना तरीके से हत्या हुई, उन वीर शहीदों को हम श्रद्धांजलि देने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त कांग्रेसजन और भी तमाम हमारे कांग्रेस के तमाम साथी यहां पर एकत्रित होकर गांधी प्रतिमा पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से यह समय श्रद्धांजलि देने का है, लेकिन साथ साथ में एक हर भारतीयों के जिससे करोड़ों भारतीय मर्माहत हैं इस घटना से, इस भी गुस्से का भी इजहार हर भारतीय करना चाहता है इस मौके पर। और इस मौके पर हम भारतीय सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित तौर पे अब समय आ गया है कि जब पाकिस्तान से निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। सिर्फ मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेने से पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं है। और इसके लिए, क्योंकि एक चीज़ तो जान लीजिए कि आपके लाख ना चाहने के बावजूद, हिंदुस्तान के लाख ना चाहने के बावजूद अगर युद्ध की स्थिति आ सकती है और ये सोच के ये कोई भी घटना युद्ध के रूप में तब्दील हो सकती है, और उसके लिए हम अपने सैनिकों का इस तरह से अनर्थ बलिदान देते रहें, ये कतई 130 करोड़ भारतीय किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, इस मौके पर हम कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं, 130 करोड़ भारतीय उनके साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने का काम करें, आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करें, और हम लोग उनके साथ हैं। ये जो हमारे CRPF के जवान मारे गए हैं, उनके परिवार के प्रति और उनके सारे परिजनों के प्रति पूर्ण संवेदना व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भारत सरकार इसके लिए उचित प्रबंध ऐसा करे कि फिर इस तरह की घटना न हो। यहाँ सारा देश दुख में डूबा हुआ है, गोरखपुर के लोग भी बहुत दुखी हैं। बहुत सुबह से मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इतना दुख है कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है शब्दों में। जिन जवानों ने का बलिदान हुआ है, वह बलिदान किसी युद्ध में हुआ होता तो एक दूसरी बात थी, लेकिन आज जिस प्रकार से एम्बुशिंग करके धोखाधड़ी से इन जवानों की हत्या की गई है, वह क्षमा योग्य नहीं है। अब भारत सरकार इसके लिए क्या करती है, हम सब लोगों का, पूरे देश का निवेदन है कि इनको ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि फिर ये दोबारा इस प्रकार की जरूरत हिम्मत न कर सके। इसी के साथ मैं पुनः सारे जवानों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें और उनके परिवार को शांति मिले। आज हम कांग्रेसजन इकट्ठा हुए हैं, उन जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए,
और जो घायल हमारे सैनिक हैं उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ हो इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। और उन शहीदों के परिजनों को जिन्हें आज अपार दुख है, परमात्मा उनको इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और इसी साथ हम सरकार को चेताना भी चाहते हैं कि वो अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करे। किस तरीके से उनका खुफिया तंत्र काम कर रहा है ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो सके, हमारे सैनिक दोबारा ना मारे जा सके। जो व्यक्ति लगातार केवल अपने भाषणों में 56 इंच का सीना दिखा रहा है, आज हमें लगता है कि उसे और सचेत होना पड़ेगा, अपने कार्यकलापों में उसको ध्यान देना होगा, न कि केवल भाषणों में उसको रहना पड़ेगा। आज हमारे सैनिक जिस तरीके से मारे गए हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करें ताकि दोबारा इस तरीके की कोई घटना न हो।